और इस वक्त की बड़ी खबर, साधु यादव को कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है। साधु यादव आरजेडी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और अभी कुछ देर पहले उन्होंने मोदी से मुलाकात की थी और मोदी की तारीफ की और राहुल गांधी की आलोचना की थी, जिसके बाद अब ये खबर आ रही है कि उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया है। हालांकि उनसे जब पूछा गया कि क्या वो पार्टी छोड़ेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं। नीतीश, राहुल गांधी की आलोचना करने के बाद वो पार्टी में बने रहते, ऐसा मुमकिन नहीं था, ये होना ही था? जी बिल्कुल, और जो प्रदेश कांग्रेस के नेता थे वो लगातार ये कह भी रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने जो बातें कही थी बिल्कुल पार्टी के विरुद्ध जाकर जो बातें रखी थी। हालांकि उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस का जवाब ये भी नहीं आया था, लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था शायद वही वजह है कि पार्टी ने यह फैसला ले लिया कि उन्हें अब पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। तो अब साधु यादव कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं और जो कमेटी थी जो इसको देख रही थी, जिला कांग्रेस कमेटी, उसको साधु यादव की तरफ से जो बातें रखी गई थी, हालांकि वो अभी तक आई नहीं है, उनकी तरफ से कोई पक्ष उनका आया नहीं है, लेकिन इससे पहले पार्टी ने यह फैसला ले लिया है कि अब साधु यादव को पार्टी से जी। लेकिन नीतीश, कयास क्या लगाए जा रहे हैं, क्या राजनीतिक राह ले सकते हैं, क्योंकि एक तरफ वो राहुल गांधी की बुराई करते हैं, नरेंद्र मोदी की बढ़ाई करते हैं और फिर भी ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस में बना रहूंगा। देखिए, उन्होंने एक पत्र के जरिए अपनी सफाई दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो कांग्रेस में हैं और रहेंगे, और अपनी तरफ से उन्होंने ये कहा था कि उन्हें आमंत्रित किया गया था चाय पीने के लिए, इसलिए वो वहां पर मिलने गए थे। लेकिन उस पत्र के बाद भी जिस तरह से लगातार साधु यादव बयान दे रहे थे, खुलकर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे और राहुल गांधी की आलोचना कर रहे थे, तो ये प्रदेश कांग्रेस के नेता काफी नाराज थे और उनका ये कहना था कि सफाई का कोई मतलब नहीं है और यही कारण है कि इतनी जल्दी ये फैसला ले लिया गया। चलिए, धन्यवाद नीतीश आपका।